हर साल ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को बचाती हैं। सूर्य से निकलने वाली ये किरणें त्वचा रोग समेत कई बीमारियों का कारण बनती हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ओजोन की परत के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं होता। हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक थीम तैयार करके लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बार विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम घोषित नहीं की गई है। पिछले साल 2020 में थीम 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थी, जिसे हिंदी में ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष कहा जा सकता है। साथ ही इसका नारा ओजोन फॉर लाइफ है। क्या है ओजोन परत? ओजोन O3 हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी आवरण है। ये परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गंध वाली गैस है। ये धरती पर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं पहुंचने देती है, लेकिन प्रदूषण ने ओजोन में छेद कर दिए हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। पृथ्वी से निकलने वाली रासायनिक गैसें ओजोन परत पर नुकसान पहुंचाती। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि रेफ्रिजरेटर और AC ओजोन परत पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओजोन दिवस की शुरुआत 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को ओजोन परत के छेदों के बारे में पता चला। इसके बाद 80 के दशक में विश्व के कई देशों की सरकारों ने इस समस्या का चिंतन करना शुरू किया। 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 में UN की जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। पहला ओजोन डे 16 सितंबर 1995 में मनाया गया था। ओजोन लेयर से होने वाले नुकसान। ओजोन लेयर में छेद होने से हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली इन हानिकारक किरणों से कैंसर और त्वचा संबंधी रोग जैसी बीमारी के साथ साथ फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ तक कहना है कि ओजोन परत के बिना धरती पर जीवन अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के कारण ओजोन परत को होने वाले नुकसान से पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ रहा है। आज सर्दियों की तुलना में गर्मी अधिक होती है, मौसम में बदलाव हो रहे हैं, साफ पानी का भंडार माने जाने वाले ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। इन हानिकारक UV किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। इन अल्ट्रावायलेट रेज से त्वचा जल जाती है। अल्ट्रावायलेट विकिरण के कॉन्टैक्ट में आने से इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन किरणों से त्वचा की उम्र बढ़ने में भी तेजी आती है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से ओजोन लेयर की हानि भरना शुरू कर दी थी।